सकते हैं ये चमत्कार है। बाबा समाधि लिए हुए है और देखिए 9 कलश इनके शरीर से रखा हुआ है। एक हफ्ता पहले से जो अंजल ग्रहण करना ही छोड़ दिया है, अभी तो पानी का बूंद तक नहीं कि उस समय कटाया गया है सब, इसमें से बना हुआ है चारों ओर से। मौजूद है कोटवा के जसौली पट्टी में और आपको बता दे यहाँ पे एक बाबा जो अयोध्या से चलकर अपने बिहार में आए हुए हैं और अपने समाधि लिए हुए हैं। लगभग 9 कलश को अपने शरीर पे रखे हुए हैं देख सकते हैं, और मिट्टी ऊपर से भरा हुआ है और इसमें जो डाला गया है और देख सकते हैं। आइए थोड़ा सा बाबा है उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं। क्या नाम हुआ चाचा? सुखाड़ी दास। अच्छा, ये बाबा कहाँ से आए हैं? अयोध्या से। अयोध्या से आए? अयोध्या से आए। अच्छा, कब आए? इनको आया हुआ हो गया 1 सप्ताह से। 1 सप्ताह से। और यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 1 सप्ताह पहले से, दशहरा आने के 1 सप्ताह पहले से ही ये अंजल सब कुछ त्याग चुके हैं। अयोध्या से आए हैं बाबा? अच्छा, कब आए अयोध्या से? ग्यारह तारीख को यहाँ आए और 15 से दशहरा शुरू हुआ। अच्छा, अयोध्या से आए तो उस समय अंजल त्याग दिए थे? पहले से त्यागते हैं। अच्छा, तो कैसे पता चला कि बिहार में आ गए? अरे हमरा मालूम है, जहाँ आना है वहाँ आगमन है, आ गए। अच्छा अच्छा दिक्कत परेशानी भी हो रहा है? दिक्कत परेशानी कुछ भी होगा तो सहना है। अच्छा, देखिए 9 कलश रखा हुआ है इनके शरीर पे। अच्छा, शरीर हिल डुल जा रहा है कि नहीं? नहीं, ये नहीं हिल रहा। अच्छा, इसमें से एक ही उस समय कटाया गया है सब। अच्छा। इसमें से बना हुआ है चारों ओर से। हाँ। उसी दिन कटेगा, कट के तब निकलेंगे। देख सकते हैं बाबा बता रहे हैं कि पूरा शरीर जो है वो बांधा गया है और जिस दिन दशहरा नवमी खत्म होगा उस दिन ये निकलेंगे इसमें से। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा चाचा, चमत्कार हुआ है? चमत्कार है ही है। हाँ। आप लोगों के सामने है। अच्छा, आम आदमी ऐसा कर सकता है? आम आदमी कैसे कर सकता है? हाँ। जिसके पे भक्ति होगा वही ना करेगा। अच्छा, यानी भक्ति में शक्ति है? शक्ति है, बहुत बड़ा शक्ति है। सब लोग कर सकता है, उनको माँ का कृपा है, माँ का देन है, इसलिए ना कर रहे हैं। हम लोग से साधारण आदमी से होगा। अच्छा। उनको छतिछा है माँ, इसलिए उनके इतना सहन शक्ति। अच्छा, ऐसा पहले देखे थे आप? नहीं, कभी नहीं। हम लोग कभी नहीं ना, इतना उम्र हो गया लेकिन नहीं देखे। ये पहली बार हुआ है हमारे यहाँ। अच्छा, अच्छा, कोई बुलाया था बाबा? नहीं, कोई नहीं बुलाया था, ये अपने आप आ गए। हाँ, अपने आप आ गए। अच्छा, हाँ, देखिए कितना लोग हैं यहाँ पे। और क्या बोल रहे हैं? बाबा को माँ बुलाई है, प्रेरणा दिया, इसलिए यहाँ पधारे हुए हैं। ऐसे हम लोग थोड़े बुलाए हैं, हम लोग कोई जान पहचान नहीं है। अच्छा, आए तो क्या बोले आप लोग? बोले कि हमको समाधि लेना है, मैं माँ के दरबार में रहूंगा, समाधि लूंगा और जन कल्याण के लिए जो होगा उपासना करूंगा। अच्छा, आप लोगों को विश्वास हुआ जब ये बोले? विश्वास तो करना पड़ता है मनुष्यों को, ऐसे तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अभी तो देखकर तो हकीकत सामने है, तो विश्वास हो रहा है कि हकीकत है, माँ के भक्त है, माँ का दया इन पर है, तभी तो ऐसे हो रहा है। ऐसे लोग 9 दिन खड़ा उपवास रहने का साहस नहीं करते हैं, और जिन्होंने जल तक ग्रहण नहीं कर रहा है, इनके बारे में कुछ कहना तो माने हम लोगों के समझ से बाहर की बात है। जब तक माँ का दया नहीं होता तब तक ये संभव नहीं है। अच्छा, भक्ति में शक्ति है? एकदम है, आज भी है, और भारत एक शक्ति और देवी प्रधान देश है, देव प्रधान देश है, इसमें क्या कहना है, ये तो इतिहास हम लोगों को बतलाता है। लोग बोलते हैं कलयुग आ गया है। कलयुग आया कहाँ है? कलयुग अपना रंग दिखला रहा है, लेकिन कलयुग में भी देव प्रधान है और देवताओं का प्रकोप सब जगह आप देख रहे हैं, अभी सामने हम लोग आंखों सामने है। आम आदमी तो नहीं कर सकता है? आम आदमी तो 9 दिन उपवास भी सब लोगों से नहीं होगा जल पर। बहुत लोग कहते हैं कि मैं उसके लायक हूँ जो एक लौंग खाकर रह सकता हूँ, लेकिन वैसे भी सब लोग नहीं है। और ये तो इन्होंने 1 हफ्ता पहले से जो अंजल ग्रहण करना ही छोड़ दिया है। हाँ। अभी तो पानी का बूंद तक नहीं ले रहे हैं। हाँ। अब इनके बारे में अब हम लोग दूसरा क्या कहें, माँ की दया है। अच्छा, आपके क्षेत्र में आए हैं, कैसा लग रहा है? ये तो अनहोनी है, ये तो अनहोनी है कि माँ इनको यहाँ भेज दी कि हम लोगों का दर्शन ऐसे सिद्ध महात्माओं से हो रहा है, और दूसरा हम क्या कहें, ये सब माँ की अनुकंपा है।
देख लीजिए कैसे नौ कलश इनके शरीर पे रखा हुआ है और बाबा वहाँ पे सोए हुए हैं और अपने ऊपर समाधि लिए हुए हैं। एक कलश सीने पे रखा हुआ है, बाकी आठ कलश यहाँ पे रखा हुआ है और ये मंदिर है जिसको बताया जा रहा है कि जगशाला है। ये जगशाला है महायज्ञ का। अच्छा, कौन सा मंदिर नाम है इसका? माँ सोना देवी सुंदर देवी का मंदिर है ये। ये महाजज्ञ होता है, ये महाजज्ञ का जगशाला है। यहाँ हर साल महाजज्ञ होता है वसंत पंचमी के दिन से, सरस्वती पूजा के दिन से। अच्छा, देखिए जैसे बता रहे हैं कि सरस्वती पूजा के दिन से यहाँ पे महायज्ञ होता है और ये जगशाला है। 14 सालों से लगातार हो रहा है। अब फिर अगला साल होगा। हर साल लगता है महायज्ञ। अच्छा, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? देखो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर, बहुत अलग अलग जगह से आते हैं। अच्छा, यहाँ पे संत महात्मा के लिए क्या कहिएगा? बहुत वो है, अब इनके लिए हम लोग कुछ कह नहीं सकते। अब इनके बारे में हम लोग क्या कहेंगे जब ये खुद समाधि लिए हुए हैं, ना हम लोग से होगा ना या कोई कर सकता है। तो इनके लिए तो बहुत, हम लोग के लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। देख लीजिए कैसे बाबा जो है वो समाधि लिए हुए हैं और ऐसे संत महात्मा, अगर भारत में है तो इसीलिए संस्कृति जिंदा है, सनातन धर्म जिंदा है। देखिए और बाबा के शरीर पे नौ कलश है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं बाबा का, और भी यहाँ पे कलश रखा हुआ है। और ये समाधि से निकलने के बाद में कहाँ जाएं, कहाँ रहें? देखिए एक बुद्ध न अन्न ले रहे हैं न जल ले रहे हैं और 9 दिन समाधि में रहेंगे। और आपको बता दें लगभग 5 से 7 दिन पहले से ये अन्न जल सब कुछ ग्रहण करना छोड़ चुके हैं। दिखाइए एक बार फिर से, इधर से दिखा दीजिए कैसे बाबा लेटे हुए हैं और उनके शरीर पे ये 9 कलश रखा गया है जिसमें समाधि लिए हुए हैं और अयोध्या से आए हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है अयोध्या से आए हैं त्यागी बाबा जी, लिखा गया है त्यागी बाबा जी, जो इनका नंबर भी है यहाँ पे। जो लोग सहयोग करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं और बाकी आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो आकर कोटवा प्रखंड के जसौली पट्टी में आकर देख सकते हैं। और सोना भाई सुंदर माई के स्थान, सोना देवी सुंदर देवी के स्थान पर। अच्छा, आप लोग कहाँ के हैं? यहीं के हैं हम लोग। अच्छा, बाबा पहली बार आए तो? बाबा पहली बार है, पहली तो बार। आप लोगों से किन से भेंट हुआ? इन आए यहाँ पर इस स्थान पर समिति से आए, से बहुत महाजन साधु संत लोग आते तब रहते हैं, उसी लोग यहाँ आ गए। यहाँ रहना कहे कि हम यहाँ रहेंगे। अच्छा, अभी कहाँ कहाँ से लोग आते हैं देखो? बहुत लोग आए हैं, अभी बहुत लोग आएंगे। अभी आए हम कहाँ, अभी तो पूजा अभी शुरुआत हुआ है, अभी 2-3 दिन बीता है। जब पंचमी जब होगा उसके बाद में यहाँ पूरा भीड़ हो जाएगा, पूरा भीड़ भीड़ हो जाएगा। यहाँ भीड़ इतना होगा जो आदमी खड़ा जगह नहीं मिलेगा खड़ा होने का, इतना भीड़ होता है। इतना भीड़ होता है महाजग में, देखिएगा तो यहाँ अष्टमी नवमी, अष्टमी नवमी का देखिए यहाँ पे कितना होता है, कितना भीड़ रहेगा। हाँ, हजारों हजार की संख्या में यहाँ लोग भोजन करते हैं। कुंवारियों की यहाँ संख्या गिनती नहीं होती और यह कोई जरूरी नहीं कि कुंवारी कन्याएं ही भोजन करती है, कुंवारी कन्याएं का तो पूजन होता ही है, साथ साथ जो भी भोजन करना चाहे, लड़का लड़की स्याना विधवा जो भी खाना चाहे, नवमी के दिन लगभग आपको फर्स्ट पूजन के बाद से यहाँ जो भोजन चालू होता है दसवीं के दिन तक रहता है। दसवीं के दिन जब ब्राह्मण भोजन हो जाता है और खप्पर, यहाँ माँ का हम लोग खप्पर भी निकालते हैं, और खप्पर निकल जाने के बाद में माने उस दिन तक सारा दिन तक जो आ गया भोजन किया उसके बाद में। देखिए अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो कोटवा प्रखंड के जसौली पट्टी में मंदिर में आकर और दर्शन कर सकते हैं सोना देवी सुंदर देवी मंदिर में। और देखिए बाबा को एक बार देख सकते हैं। जो लोग बोलते हैं कि ये कलयुग है घोरी युग है, तो देख सकते हैं ये चमत्कार है। बाबा समाधि लिए हुए है और देखिए 9 कलश इनके शरीर पे रखा हुआ है, देख सकते हैं। और बाबा के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं ये हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।